बिल्कुल सही कहा मैंने आपने। देखिए इसमें ये पायलट जो बहुत एक्सपीरियंस पायलटर होते हैं उनका बस यही लास्ट ऑप्शन बचता है कि अगर आपका लैंडिंग गियर तकनीकी खराबी से नहीं आ रहा तो बैली लैंडिंग होती है। बैली लैंडिंग का लैंडिंग का मतलब होता है कि जो पीछे के जो टायर होते हैं उसको ऊपर आपको लैंड करना जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसे में जो पायलट्स होते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं क्योंकि देखिए ये शाहजहां की फ्लाइट थी, लंबे हॉल की फ्लाइट थी, जो टैंक था पूरा फुल था, इसमें कोशिश की जाती है कि तेल को ज्यादा से ज्यादा जलाया जा सके, खपाया जा सके। अगर इनकेस अगर लैंडिंग होती है, अगर कोई दुर्घटना होती है तो तेल कम होने की वजह से फ्लाइट में आग नहीं लगेगी। यही वजह है कि त्रिची एयरपोर्ट पे इस समय हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं और जो जो वहां के लोकल प्रशासन है वो मौके पर पहुंच चुके हैं। अब सिर्फ ATC और जो पायलट है वो लगातार संपर्क में है। फ्यूल को देखा जा रहा है कि कितने फ्यूल कम होने के बाद हम लैंडिंग जो बेली लैंडिंग कर सकते हैं, इसी पर पूरा कॉल चल रहा है। लेकिन इस समय पायलट अपनी पूरी कोशिश करता है कि जो लैंडिंग गियर्स है वो किसी तरह से चालू हो सके, जो हाइड्रोलिक फेलियर है, जो तकनीक खराब है उसको ठीक किया जा सके। क्योंकि देखिए जब भी कोई फ्लाइट लैंड या टेक ऑफ होती है उसके जो पहिए होते हैं जब वो टेक ऑफ होने के बाद भी जो लैंडिंग गियर्स होते हैं वो ऑटोमेटिक पायलट उसको अंदर कर लेता है ताकि उड़ान भरते समय ताकि बीच एयरक्राफ्ट में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है टेक ऑफ होने के बाद लैंडिंग गियर जो बंद है वो नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इंडिकेटर साफ तौर पर पायलट को देख रहे थे कि लैंडिंग गियर बंद नहीं हो रहे हैं। तो पायलट ने कॉल लिया कि लॉन्ग हॉल की फ्लाइट है, इसको वापस त्रिची एयरपोर्ट पर लैंड कराया जाए। अब आप देखिए फ्लाइट रडार के मुताबिक ये फ्लाइट जो है तकरीबन एक घंटे पंद्रह मिनट से वहीं गो अराउंड करिए। गो अराउंड का मतलब है कि ATC उससे बार बार संपर्क में है। ATC बार बार बोला कि जितना फ्यूल हो सके उतना आप खपाइए। खपाने के बाद जो एयर स्पेस है त्रिची एयरपोर्ट का वहां पे उसको बार बार राउंड ऑफ किया जा रहा है। अच्छा विवेक एक मिनट, मैं एक बार समझा भी देता हूँ। ये जो ग्रीन इस वक्त आप देख रहे हैं ना, ये लगातार चक्कर लगाए जा रहे हैं। ये लगातार जो एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट है वो लगातार चक्कर लगा रही है। ये देखिए आप XB613 जो त्रिची से शारजा की तरफ जा रही है और ये लगातार जो है वो चक्कर लगाए जा रहे हैं। ये देखिए आप, ताकि फ्यूल जो है लो लेवल फ्यूल हो, ताकि जब बेली लैंडिंग की जाए तो जब फ्यूल कम होगा तो उससे जो है आग लगने की संभावना थोड़ी सी कम होंगी। ये भी बताया जा रहा है कि 20 के करीब जो है 20 के करीब वहां पर एम्बुलेंस है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट की जा रही है, सेफ्टी अरेंजमेंट की जा रही है। ये जो ग्रीन जो इस वक्त है वो इसीलिए ताकि जितना समय, ये टाइम बाइंग एक्सरसाइज एक तरीके से टाइम बाय किया जा रहा है। और अब जो है बताया जा रहा है 141 लोग, ये देखिए ग्रीन इस वक्त आपके सामने भी है, ये जो ग्रीन, और ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की क्योंकि 18 फायर ब्रिगेड, 20 एम्बुलेंस की गाड़ियां इस वक्त मौजूद हैं, 141 लोग इसके अंदर सवार हैं। ये ऑफिशियल सोर्सेज की तरफ से हमको सारी जानकारियां जो है लैंडिंग, 141 लोग फंस गए हैं, 141 लोग। कोई लैंडिंग गियर का इशू है, टेक्निकल है, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट फ्रॉम त्रिची टू शारजा, ये ऑफिशियल वर्जन आ चुका है, मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं, एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट फ्रॉम त्रिची टू शारजा हैज एनकाउंटर अ लैंडिंग गियर इशू। लैंडिंग गियर का कोई प्रॉब्लम है लैंडिंग गियर में। द एयरक्राफ्ट हैज बीन डाइवर्टेड बैक टू त्रिची, त्रिची से उड़ान भरी थी 5:45 पर, यानी कि 6:15 उड़ान भरी त्रिची से शारजा जाने के लिए। लैंडिंग गियर में प्रॉब्लम आई, द एयरक्राफ्ट हैज बीन डाइवर्टेड टू त्रिची, वापस त्रिची की तरफ लौटना पड़ा और फिर अब सर्कलिंग टू बर्न ऑफ फ्यूल। इसका मतलब ये जो आप देख रहे हैं जो एयरक्राफ्ट है, जो एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान है, वो सर्कल बनाया जा रहा है, वहीं पर समय जो है उसको टाइम बाय करना पड़ा, घुमाया जा रहा है लगातार ताकि टू बर्न ऑफ फ्यूल। आगे बढ़िए, प्रिपरेशंस आर अंडरवे फॉर ए पोटेंशियल बेली लैंडिंग। विवेक मेरे साथ लगातार, विवेक ये समझाएंगे बेली लैंडिंग का मतलब क्या हुआ, जो नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं, ये बेली लैंडिंग क्या होती है, क्या मतलब हुआ इसका? देखिए अमन, अगर हम आम भाषा की समझ लेंगे, एयरक्राफ्ट में सबसे जो आगे जो व्हील होती है उसको हम नोज व्हील बोलते हैं, जो टेक ऑफ के समय सबसे पहले वो वाला पहिया होता है। बेली लैंडिंग होती है जो एयरक्राफ्ट के बीचों बीच, जिसमें तकरीबन 4 पहिए होते हैं जो दो एक तरफ होते हैं, दो एक तरफ, यानी कि फ्लाइट के बीचों बीच लैंडिंग और टेक ऑफ में सबसे पहले यही पहिए जो है वो रनवे पे टच करते हैं। उसके बाद आगे जो नोज व्हील होती है, नोज व्हील मतलब जिसमें एक पहिया रहता है जो सबसे आगे लगा रहता है, वो टेक ऑफ और लैंडिंग में सबसे बाद में जमीन को टच करता है। तो बेली लैंडिंग का मतलब है कि आगे के जो पहिए हैं वो उसमें तकनीकी खराबी आ चुकी है, यानी कि अगर ये बेली लैंडिंग करता है, यानी कि एयरक्राफ्ट के जो बीचों बीच जो पहिए होते हैं जो सबसे पहले रनवे को छूते हैं उस पर ये टच करता है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी कि आगे का जो नोज व्हील है जो बंद नहीं हो रहा है, जो चल नहीं रहा है,
उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके। देखिए अगर ये बेली लैंडिंग होती है तो पायलट के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि नोज व्हील का जो हिस्सा होता है, नोज व्हील का हिस्सा मतलब जहां पे पायलट बैठे होते हैं, जहां कॉकपिट होता है, उसके पीछे जो पैसेंजर बिजनेस क्लास होता है, उसके बाद इकोनॉमिक क्लास होता है, उनको सबसे ज्यादा खतरा होता है कि अगर ये बेली लैंडिंग होती भी है तो फ्लाइट जो है वो सीधे मुंह की तरह जो रनवे वो घसीटता हुआ आगे जाएगा अगर ठीक से अगर लैंडिंग नहीं हुई तो अपने आप में बेली लैंडिंग बहुत ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। इसमें सूझबूझ पायलट का जो एक्सपीरियंस होता है उसको बहुत विवेक, लेकिन एक चीज है अभी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी ये बताया जा रहा है कि एक और एयर इंडिया सोर्सेज हैं ये जो बता रहे हैं कि उसमें लिखा गया वी स्टिल होप इट कुड बी अ नॉर्मल लैंडिंग। हम यह उम्मीद करेंगे नॉर्मल लैंडिंग हो। 141 लोग हैं ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है AXB613, ये पूरा ग्रीन ग्रीन जो है ये फ्यूल को बर्न करने की कोशिश की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा जो है खपाया जाए, ईंधन खपाने की कोशिश है। क्योंकि अगर बेली लैंडिंग की गई, मैं एक बार पढ़ रहा हूं इस पर आप नजर रखिएगा, ये बताया गया कि एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्रॉम त्रिची टू शाहजहां, त्रिची से शाहजहां की तरफ जब उड़ान भरी तो 5:45 का समय था, 5:45 PM। नंबर वन इसमें है 141 लोग। नंबर दो, नंबर तीन जो बताया गया लैंडिंग गियर का इशू आया, लैंडिंग गियर का इशू आया नंबर तीन। उसके बाद बताया गया कि एयरक्राफ्ट को वापस त्रिची की ओर डाइवर्ट किया गया और अब ये बताया गया इज करंटली सर्कलिंग टू बर्न ऑफ फ्यूल। ये बार 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 जो है इसी तरफ घुमाया जा रहा है इस तरह से ताकि जो फ्यूल को बर्न किया जा सके। अगर बेली लैंडिंग करनी पड़ती है, अगर नौबत आ जाती है बेली लैंडिंग की, तो फिर आग लगने के चांसेस कम होंगे क्योंकि ईंधन जो है उसको खपाया जा चुका होगा। और एक और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारी और DGCA एयर इंडिया एक्सप्रेस के संपर्क में है, सरकार एक्शन में आ चुकी है। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की क्योंकि DGCA और नागरिक उड्डयन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के जो ऑफिसर्स हैं वो अब एयर इंडिया एक्सप्रेस के संपर्क में हैं। 141 लोग इसके अंदर सवार हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट त्रिची से शारजा, लैंडिंग गियर का इशू आया और अभी हालांकि मेरे साथ विवेक लगातार है। विवेक, अभी जो बताया जा रहा है उसमें एयर इंडिया के सोर्सेज बता रहे हैं कि दे स्टिल होप इट कुड बी अ नॉर्मल लैंडिंग। हम भी उम्मीद करेंगे, हम भी प्रार्थना करेंगे कि ये बहुत ही सामान्य लैंडिंग हो, लेकिन बहुत कुछ निर्भर करेगा पायलट के अनुभव और उनका कितना जो है एयर टाइम एक्सपीरियंस है मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही कहा मैंने। आपने देखिए ये सारी चीजें होती हैं वो टेक्निकल चीजें होती हैं। पायलट ऑफकोर्स पायलट अपनी पूरी कोशिश कर रहा होगा, पायलट नहीं बल्कि जो उसके साथ टीम है, जो को पायलट है, दोनों पायलट अपनी पूरी कोशिश कर रहे होंगे जो टेक्निकल एरर आया है, जो हाइड्रोलिक फेलियर है, वो समय रहते जब तक फ्यूल है समय रहते हो उसको ठीक किया जा सके। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं कि जिसमें लैंडिंग गियर मिड एयर में फंस जाते हैं या फिर कुछ इशू आ जाते हैं वो ठीक भी हो जाते हैं मिड एयर में। देखिए सबकी होप यही है कि वो लैंडिंग गियर समय से ठीक हो जाए। दो चीजें हैं अमन, पायलट मैक्सिमम गो अराउंड तभी कर सकता है जब उसका फ्यूल हो। अगर इसी तरह से पिछले 1.5-2 घंटे से वो अगर गो अराउंड कर रहा है, गो अराउंड को एविएशन की लैंग्वेज में गो अराउंड बोलते हैं, आम भाषा में बोलेंगे कि अगर वो ATC की परमिशन नहीं मिल रही और बार बार वो चक्कर लगा रहा है एयर स्पेस के अंदर, एविएशन की भाषा में उसको गो अराउंड बोलते हैं, अगर वो बार बार गो अराउंड कर रहा है तो उसमें भी तेल खर्च हो रहा है, यानी कि तेल को खपाया जा रहा है। अगर देखिए लैंडिंग गियर समय पर अगर पायलट कोशिश कर लैंडिंग गियर अनफॉर्चुनेटली अगर ठीक नहीं होता है तो पायलट को ये भी देखना पड़ेगा कितनी देर। ठीक है विवेक लगातार मेरे साथ मौजूद है, बहुत बड़ी खबर है। 141 लोग इस जो है जो ग्रीन इस वक्त आप देख रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी टीवी सेट ऑन किया, मैं जल्दी से उनके लिए बता देता हूं, एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान में तकनीकी खराबी आई है, लैंडिंग गियर में कोई इशू है ये बताया जा रहा है, 5:45 पर टेक ऑफ हुआ, 5:45 पर टेक ऑफ हुआ। नंबर दो 141 लोग इसके अंदर सवार है। नंबर तीन त्रिची से शाहजहां की उड़ान भरी थी। नंबर चार जब लैंडिंग गियर का इशू आया तो बताया गया कि फिर से त्रिची की तरफ डाइवर्ट किया गया। और अब जो सबसे बड़ी चीज है वो है बेली लैंडिंग। नंबर पांच बड़ी बातें, बेली लैंडिंग अगर करनी पड़ती है तो उसको हालांकि डेंजरस माना जाता है लेकिन जो है फ्लाइंग आज का कितना एक्सपीरियंस है वो सारी चीजें पायलट बहुत कुछ डिपेंड करता है उस पर, लेकिन अभी भी नॉर्मल लैंडिंग की उम्मीद की जा रही है। 141 लोग इसके अंदर सवार है। एयर इंडिया के विमान में तकनीकी खराबी है, जो ग्रीन इस वक्त आप देख रहे हैं ये एनसर्कल किया जा रहा है, लगातार सर्कल जो है वो किया जा रहा ताकि फ्यूल को बर्न किया जा सके। विवेक एक आखिरी कमेंट जल्दी से एक बार आप बता दीजिए कितना समय हो गया और कितना समय लगेगा, और एयर इंडिया क्योंकि बताया जा रहा है कि DGCA और नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी जो है वो संपर्क में है। ऑब्वियसली देखिए अमन ये बहुत बड़ी खबर है, सारे लोग एक्टिव हो चुके हैं, सरकार एक्टिव हो चुकी है, DGCA एक्टिव हो चुका है। देखिए त्रिची से शाहजहां की जो फ्लाइट है वो 3-3.5 घंटे की फ्लाइट है। अब हम कैलकुलेशन करें, अगर नंबर वाइज कैलकुलेशन से 5:45 यानी कि सब कुछ 6 पाए
ये कितनी नॉर्मल एबनॉर्मल डेंजरस क्या सिचुएशन है ये लैंडिंग गियर का इशू आना और जो सारी चीजें बताई जा रही है जो एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ हो रही है सर। विपुल जी हाँ, तो बेसिकली हाइड्रोलिक सिस्टम जो है किसी भी हवाई जहाज के लिए बहुत क्रिटिकल सिस्टम होता है, जो कि जब इतना बड़ा जहाज हवा में उड़ रहा है और तो अगर हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं होगा तो वो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कार में ब्रेक लगाते हैं तो उसमें जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है उसकी वजह से हमें लाइट हो जाता है, वो सब हाइड्रोलिक सिस्टम की वजह से होते हैं। तो इसी तरह जहाज में हाइड्रोलिक सिस्टम की फंक्शन है, अगर वो ठीक से काम नहीं करेगा तो जहाज को उड़ाना मुश्किल हो जाएगा। उसके जो लैंडिंग गियर्स हैं जिससे आप लैंड करते टेक ऑफ करते व्हील जो हैं वो नीचे लोअर नहीं हो पाएंगे, जब वो लोअर नहीं हो पाएंगे तो आप लैंड सेफली नहीं कर पाएंगे। तो ये सब सिस्टम है, बट इन जहाजों में स्टैंड बाय सिस्टम होता है, मैनुअल सिस्टम होता है। मुझे लगता है 2 घंटा जो लगा है पायलट ने सारा एफर्ट्स लगा लिया है और इसीलिए जब कुछ काम नहीं कर रहा तो उसको फिर बेली लैंडिंग शायद उसको करना पड़ेगा। ये जो सर्कल बनाया जा रहा है ताकि फ्यूल लो लेवल हो बेली लैंडिंग, इसका क्या मतलब हुआ? वो इसलिए होता है कि भी जब आप बेली लैंडिंग कर रहे हैं तो वो ट्राई किया जाता है कि जितना कम फ्यूल हो जहाज में, ताकि सपोज कोई लाइक लैंडिंग के टाइम अगर जहाज अनकंट्रोल हो जाए कुछ हो जाए तो एटलीस्ट उतना कम फ्यूल हो उसमें आग नहीं लगे। तो इसलिए वो फ्यूल बर्न करते रहते हैं ताकि जब लैंड करें तो इतना फ्यूल हो केवल जिससे कि आप लैंड कर सको। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, नॉर्मल लैंडिंग होगी, स्टैंड बाय ऑप्शन होता है, आप ये बता रहे हैं? डेफिनेटली इस तरह की लैंडिंग की है पायलट ने, अभी केवल ये पायलट की स्किल के ऊपर पूरा डिपेंड करता है सेफ्टी ऑफ द एयरक्राफ्ट, बट ऐसी लैंडिंग हुई है, लोगों ने की है, तो ऐसा मैं कोई बहुत ज्यादा एबनॉर्मल बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन नहीं मिलता, बट यस रिस्क है, चैलेंज है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज जहाज जो है अपनी बॉडी के ऊपर लैंड करेगा क्योंकि उसके व्हील डाउन नहीं हो पाएंगे। अच्छा, मतलब बेली लैंडिंग अगर लैंडिंग गियर का इशू है, व्हील्स अगर बाहर नहीं आएंगे तो बॉडी पर लैंड करेगा जो है एयरक्राफ्ट, आप ये बता रहे हैं? इसीलिए जो है वो जो फ्यूल जो बर्न किया जा रहा है वो इसलिए बर्न किया जा रहा है कि जब लैंड करे तो उस समय अगर सपोज को फ्यूल टैंक बस्ट हो जाता कुछ हो जाता तो एटलीस्ट आग नहीं लगे। तो जितना कम फ्यूल होगा उतना आपकी रिस्क कम हो जाती है। थैंक्स सो मच विपुल जी। हमारे साथ विनोद कुमार हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं। विनोद जी, अगर आप समझा पाएं बेली लैंडिंग का क्या मतलब, फ्यूल को किस तरह से बर्न किया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान में जो ये हाइड्रोलिक इशू आया है, जो तकनीकी प्रॉब्लम है, ये लैंडिंग गियर का है, क्या मतलब हुआ इसका और कितनी एब्नॉर्मल, कितनी डेंजरस सिचुएशन? मेरा नाम ग्रुप कैप्टन ऑगस्टीन विनोद है। जी सर, सॉरी सर, एसएफओस एंड करंट एयरलाइन कैप्टन। जी सर, इनफैक्ट कुछ चंद घंटे पहले मैं कुवैत से लैंड किया हूं। जी सर, प्लीज बताएं। तो अमन, ये 2-3 चीजें हैं इसमें। सबसे पहली बात, मैं अभी आपके कुछ ज्वाइन करने से पहले आपके प्रीवियस स्पीकर की कुछ बातें सुन रहा था। जी, 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात, इसके इनके जो रिलेटिव्स हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा, ये प्रोसीजर जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा मॉनिटर्ड ट्रेनिंग होती है इंडियन एयरफोर्स इंडियन एयरलाइंस की, इंडिया के एयरलाइंस के पायलट्स की, हर 6 महीने में। ठीक। और इसमें ये प्रोसीजर हम प्रैक्टिस करते हैं, तो ईंधन कम करना है और लैंड करना है, यही एक प्रोसीजर है। सपोज इस केस में अगर अंडरकैरेज ऊपर नहीं जा रहा होता तब तो और कोई इशू नहीं था। इशू इसलिए नहीं था क्योंकि सीधा ओवरवेट लैंडिंग प्रोसीजर होती है, एक वो देख करके ओवरवेट लैंडिंग प्रोसीजर लगा करके हम लैंड कर जाते हैं। लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है, ये इशू अंडरकैरेज डाउन होने की है, तो इसीलिए ईंधन कम किया जा रहा था, शारजा जा रहा था ये फ्लाइट, इसका मतलब कम से कम 11 टन फ्यूल रहा होगा। तो इन्होंने पिछले चंद घंटे में कम से कम 4-5 टन फ्यूल कम किया होगा, ताकि जब लैंड करते हैं तो वेट ऑन व्हील्स का इशू ना आए, अंडर कैरेज कोलैप्स का इशू ना आए। वो भी एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर फॉलो करके अभी जैसे मैं अभी लाइव ट्रैक कर रहा हूँ जी, तो 4,000 फीट से ये 2,500 फीट में आ चुके हैं। पहले ये लोग 200 नॉट कर रहे थे, अभी 178 मतलब है। ठीक। कि ये लैंडिंग की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है, तो एक और शायद ऑर्बिट करेंगे उसके बाद अगले 10 या 12 मिनट में टच डाउन होने की संभावना है, और 4 टन फ्यूल कम होने की वजह से प्रोसीजर जो है वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कोई कहता है कि रनवे पे फोम बिछाया जाएगा या ये सारी चीजें,
आई एम सो सॉरी विनोद जी, आपकी आप योर वॉइस इज क्रैकिंग, आपकी आवाज़ थोड़ी, मैं आपके अब दोबारा कनेक्ट करता हूँ क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट समझा रहे हैं कि इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, एक स्टैंड बाई ऑप्शन होता है, इस चीज़ की हर 6 महीने में ट्रेनिंग दी जाती है। अगर व्हील्स नहीं ओपन हो रहे हैं तो बॉडी पर अगर लैंडिंग की जाती है, फ्यूल को बर्न करना सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, ईंधन को बर्न किया जाए। हाँ सिचुएशन क्रिटिकल है, हाँ सिचुएशन एबनॉर्मल है, लेकिन घबराने वाली बात इसलिए अभी के हिसाब से नहीं है। ये बहुत कुछ डिपेंड करता है पायलट को पायलट की जो टीम है, कितना फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस है, ये बहुत चीज़ें है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, ये बहुत क्रिटिकल टाइम है। क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पाँच बज मेरे साथ दोबारा से जुड़ गए सर, अगर आप प्लीज़ कंटिन्यू बता पाएँ कितनी क्रिटिकल सिचुएशन है। जो आपने बताया कि अगर लैंडिंग गियर्स ओपन नहीं हो रहे हैं तो फिर क्या होगा, बेली लैंडिंग क्या होती है और इसमें कितना और टाइम लग सकता है और कितना